नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। इसके पहले हमने जो भी डिवाइसेस पढ़ी, SCR पढ़ा, ट्रायक पढ़ा, डायक पढ़ा, UJT पढ़ा, और इनकी हेल्प से हमने बहुत सारे सर्किट्स डिज़ाइन किए जिनके थ्रू हमने स्पीड को कंट्रोल किया, इल्यूमिनेंस को कंट्रोल किया, इवन पावर को कंट्रोल किया। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमने कंट्रोलिंग पढ़ा है, या तो हम पावर को कंट्रोल कर रहे थे, या फिर स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब इल्यूमिनेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है कि कंट्रोल कैसे करते हैं, चाहे वो वोल्टेज को कंट्रोल करना हुआ, पावर को कंट्रोल करना हुआ। लेकिन अब हम ट्रांसड्यूसर पे क्यों स्विच कर रहे हैं, ट्रांसड्यूसर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, वो सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ट्रांसड्यूसर की अगर हम बात करते हैं, तो ट्रांसड्यूसर हमारा क्या है, ये मेजरिंग डिवाइस होता है। दैट मीन्स कि अगर हमें किसी चीज़ का मेजरमेंट करना है, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है कि पावर को कंट्रोल किया है, कहीं ना कहीं से हमें मेजरमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी कि हमने जो पावर जनरेट की है उसको कितना हमने जनरेट किया है और कितना हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसको मेज़र करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम ट्रांसड्यूसर पढ़ते हैं कि हमने जो भी वोल्टेज जनरेट किया या फिर करंट हमारे पास है, तो उसको हमें कहीं ना कहीं मेज़र करना पड़ेगा। तो जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं या फिर जिन डिवाइसेस का यूज़ करके हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, तो वही डिवाइसेस हमारी क्या हैं, ट्रांसड्यूसर है। कि ट्रांसड्यूसर को आप कह सकते हो कि एक मेजरिंग डिवाइस है, मतलब कि अगर मेजरमेंट का पोर्शन आपको कवर करना है, देन यू हैव टू गो थ्रू विद द ट्रांसड्यूसर। तो डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज़ हो गई, आपके टेम्परेचर है, प्रेशर है, डिस्प्लेसमेंट है, या फिर पावर है, वोल्टेज है, कंट्रोल है, इन सभी को अगर आपको मेज़र करना है, देन यू हैव टू यूज़ ट्रांसड्यूसर्स। तो अगर ट्रांसड्यूसर को यूज़ करना है, इसका मतलब है कि उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो अगर आप डेफिनेशन से जाओ, तो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कि एनर्जी के फॉर्म को कन्वर्ट करती है, मतलब कि एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारी, उनको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर देगा। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी क्या हो गई, कि जितनी भी आपके पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, लाइट हो गया, स्पीड हो गया, ये सारी क्या हैं, आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को अगर आप किसी ट्रांसड्यूसर से पास कराओगे, तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इनको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में। अब जो भी हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, हम उनको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी कन्वर्जन है, या फिर जो भी हम एम्पलीफिकेशन कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, वो हम इजली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को कर पाते हैं। दैट्स वाई हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या फिर मैकेनिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में इसीलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि इन एम्पलीफिकेशन हो गया, या फिर फिल्ट्रेशन हो गया, या इनका डिटेक्शन क्या है, बहुत ही ईजिली हम कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं जो कि इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को सेंस कर सकते हैं, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, इवन मॉडुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन सारी क्वांटिटीज़ को, जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो इनके लिए हमें जो कन्वर्जन है, जो बीच में ये फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके दे रहा है, तो उसके लिए हमें जो डिवाइस चाहिए, वो डिवाइस ही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसड्यूसर कहलाएगा। और यही क्या करेगा, एक फॉर्म, ये एक तरीके से एनर्जी का ही फॉर्म है, तो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है, या फिर इसका वाइस वर्सा, या फिर इसका उल्टा भी सही है, कि अगर कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आप अप्लाई करते हो ट्रांसड्यूसर पे, तो वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके दे देगा फिजिकल क्वांटिटी में। इसीलिए कहा गया है कि वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, तो वो उसको मैकेनिकल क्वांटिटी या फिर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके दे देगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या है, एक तरीके की इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एट्सेट्रा टाइप्स की डिवाइसेज हैं। ये क्या करेंगे, मैकेनिकल क्वांटिटी या फिर फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ तो आपके टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, इन सभी को क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी आपका वोल्टेज है, करंट है, इन सभी को ये इनमें कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, आपको डिज़ायर्ड क्वांटिटीज़ में, जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना होगा, उसमें वो कन्वर्ट करके दे देंगे। इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर्स आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आपको साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यूज़ कर सकते हो, एक माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हो। माइक्रोफोन क्या करेगा, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे देगा।
हम लोग दो चीज़ें ट्रांसड्यूसर की तरह बहुत यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। एक तो हमारे पास हो गया माइक और दूसरा है लाउड स्पीकर। माइक क्या करता है, आपका जो भी आपकी साउंड एनर्जी है, एक्वास्टिक एनर्जी है, उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। देन जो आप लाउड स्पीकर यूज़ करते हो, लाउड स्पीकर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। आप सभी मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हो और उसमें हेडफोन यूज़ करते हो, तो हेडफोन जो होता है, हेडफोन में दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं साइमल्टेनियसली, माइक भी अवेलेबल होता है और हेडफोन भी अवेलेबल होता है। तो माइक क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है, और जो लाउड स्पीकर्स होते हैं हेडफोन के, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये दो, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये दो ट्रांसड्यूसर्स हर कोई डेली अपने लाइफ में यूज़ करता है। नेक्स्ट, अगर हम ट्रांसड्यूसर्स के एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने में यूज़ किया जाता है। मतलब कि जो भी आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हो गई, टेम्परेचर है, प्रेशर है, फोर्स, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, नॉइज़, साउंड, इन सभी को क्या करेंगे, हम मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। नेक्स्ट है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करता है। मतलब कि अगर हम डेफिनेशन से ही देखें, तभी हमें पता चल रहा है कि ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जितनी भी सारी आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको मेज़र करने के साथ साथ, सेंस करने के साथ साथ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जो भी आपका साउंड सिग्नल है या फिर अकोस्टिक एनर्जी है, उसको कन्वर्ट करने में यूज़ कर सकते हैं हम ट्रांसड्यूसर को, जो कि आपका क्या कहलाएगा, स्पीकर कहलाएगा। लाउड स्पीकर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो वही है कि अगर आप ट्रांसड्यूसर को एज अ स्पीकर, लाउड स्पीकर भी यूज़ कर सकते हो, जो कि क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए भी ट्रांसड्यूसर का यूज़ किया जा सकता है, जिसको हम एंटीना कहते हैं। कम्युनिकेशन में हम एंटीना, जो भी हम सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए डिवाइस यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, एंटीना होता है। एंटीना क्या करता है, ट्रांसमिशन भी करता है और रिसेप्शन भी करता है सिग्नल का। तो एंटीना आपका क्या है, एक तरीके का ट्रांसड्यूसर ही है, जो कि सिग्नल को क्या कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है और ट्रांसमिट भी कर रहा है। तो ये भी एक टाइप का क्या है, आपका ट्रांसड्यूसर ही है। माइक, माइक्रोफोन भी आप यूज़ कर सकते हो। माइक्रोफोन भी साउंड एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो माइक्रोफोन है, वो भी आपका क्या है, ट्रांसड्यूसर ही है एक। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि सेंसर की तरह ट्रांसड्यूसर को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। हम ट्रांसड्यूसर को जानते हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या करता है, किसी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आपकी फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है। तो वो जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन होता है, उसको ही हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं, कि जो कन्वर्जन हो रहा है आपका, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, उसको हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। तो ट्रांसडक्शन के बेसिस पर भी ट्रांसड्यूसर को क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर तीन टाइप्स हैं आपके, रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स एंड कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स। तो यहाँ पर फर्दर ये भी क्लासिफाइड होते हैं आपके, रजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, उसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स। तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैकेनिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, वो आपका प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो आपका इनपुट होगा, और जो आपका मैकेनिकल क्वांटिटी कन्वर्ट होकर के आएगा, वो आपका आउटपुट होगा। तो यहाँ पर जो फिजिकल इनपुट क्वांटिटी होगी, वो मैकेनिकल आउटपुट क्वांटिटी में कन्वर्ट होगा अगर, तो वो आपका प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहलाएगा। नेक्स्ट आपका जो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होगा, वो क्या करेगा, ये जो आपका मैकेनिकल क्वांटिटी है, इस मैकेनिकल क्वांटिटी को अगर आप सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर पे अप्लाई करोगे, तो वो आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके दे देगा। दैट मीन्स कि सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, मैकेनिकल इनपुट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इनपुट सिग्नल में कन्वर्ट करके दे देगा। ये आपका सेकेंड कैटेगरी था। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है आपका, पैसिव ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो पैसिव ट्रांसड्यूसर्स आपके क्या होते हैं, कि इनको एक्सटर्नली पावर सोर्स की नीड होती है। तो जब इनको एक्सटर्नली पावर सोर्स की नीड होती है, इसका मतलब है हम इनको एक्सटर्नल पावर ट्रांसड्यूसर्स भी कह सकते हैं। इसी तरीके से एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स को एक्सटर्नल पावर सोर्स की नीड नहीं होती है, तो इनको हम लोग सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट जनरेट होता है, कि ट्रांसड्यूसर खुद ही करते हैं, इसीलिए सेल्फ जनरेटिंग बोल रहे हैं। यहाँ पर हमें कहीं से बाहर से किसी भी वोल्टेज या करंट की, मतलब एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनके जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स के जो एग्जांपल्स हैं, वो फोटोवोल्टाइक सेल है, थर्मोकपल्स हैं, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल एट्सेट्रास हैं,
पैसिव ट्रांसड्यूसर्स आपके क्या हो जाएंगे, रजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स जो होंगे वो आपके पैसिव ट्रांसड्यूसर्स के एग्जांपल्स होंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है आपका एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स। तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर क्या करेगा आपका, जो भी आप इनपुट क्वांटिटी अप्लाई करोगे एनालॉग ट्रांसड्यूसर पे, उसको वो कंटिन्यूअस सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और जो कंटिन्यूअस सिग्नल होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल नेचर का होगा और एनालॉग होगा। तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर्स के जो आपके एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, LVDT, थर्मोकपल और थर्मिस्टर्स हैं। नेक्स्ट जो आपका डिजिटल ट्रांसड्यूसर है, डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जो भी आप इनपुट क्वांटिटी अप्लाई करोगे उस इनपुट क्वांटिटी को ये कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल में या फिर पल्स ट्रेन के फॉर्म में। तो डिजिटल ट्रांसड्यूसर का काम क्या है कि जैसे ही आप इनपुट क्वांटिटी अप्लाई करेंगे, डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उस सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल में या फिर किसी पल्स ट्रेन में। इनके जो एग्जांपल्स हैं, सॉफ्ट एनकोडर, डिजिटल टैकोमीटर, हॉल इफेक्ट सेंसर्स एंड लिमिट स्विचेस, ये आपके एग्जांपल्स हैं डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स के। नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रांसड्यूसर्स एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स हमें पता है कि क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है या फिर नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, तो वो आपका ट्रांसड्यूसर होता है। इन्वर्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट कर देना, दैट मीन्स कि इसका जस्ट अपोजिट, कि जैसे ही इन्वर्स होगा इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आपका कन्वर्ट हो जाएगी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। तो इन्वर्स ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में या फिर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये थे आपके कुछ क्लासिफिकेशन ट्रांसड्यूसर्स के।